सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों टेक्नोलॉजी के बारे में तो आप सभी बात करना पसंद करते हैं, रोबोट्स के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोस्तों कुछ ऐसे रोबोट्स में जिनको अगर कोई पेशेंट खा लेगा तो वो दोस्तों अंदर जाके कर देंगे पूरा इलाज और आगे चल के सर्जरी ऐसे ही होने वाली है। आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं इंजेस्टिबल रोबोट्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमेशा बात करते हैं कि भाई कैसे टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्रूव करेगी हेल्थ केयर को आगे चल के, कैसे दोस्तों नई नई चीज़ें आने वाली हैं। अब 5G जब आएगा तब दोस्तों यहाँ पे रोबोटिक सर्जरीज भी होंगी, रिमोट सर्जरीज भी होंगी, यहाँ पे लाइव दोस्तों ऑपरेशंस वगैरह भी होंगे। लेकिन इसके अलावा आप सिंपल एग्जाम्पल सोच के देखो कि भाई अगर किसी की बॉडी को आप बाहर से कट लगा के अंदर तक पहुँचते हो ऑपरेशन करने के लिए, तो कितना बेहतर हो अगर आप उस चीज़ को डायरेक्टली बॉडी के अंदर से ही क्योर कर पाओ। ऐसे आपको न तो कट लगाना पड़ेगा, न दोस्तों को ज़्यादा आपको डैमेज देखना पड़ेगा और आप जो है प्रिसाइज तरीके से ऑपरेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसी आइडिया के साथ में जो इंजेस्टिबल रोबोट्स हैं वो सामने आए थे। ये दोस्तों ऐसे छोटे रोबोट्स इनको अगर पेशेंट निगल लेगा तो वो जाएंगे पेट में, इंटेस्टाइन वगैरह में और जाके मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अंदर दोस्तों क्या चल रहा है, कंप्लीट सीन, अंदर की फोटोज क्या है, अंदर की वीडियोज क्या है। दोस्तों वहीं पर कुछ अगर सर्जरीज वगैरह करनी है, अगर वहां पर जाकर ड्रग्स को करना है डिलीवर, तो दोस्तों वो जो काम है वो छोटे रोबोट्स करते हैं जिनको आप अंदर खाएंगे तो वो जाएंगे दोस्तों आपके पेट के थ्रू होते हुए बॉडी से बाहर और साथ में अपना काम भी कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों ये जो चीज है ये कोई नई नहीं है, मतलब सुनने में लगता है कि हाँ यार ऐसा कैसे हो पाएगा, लेकिन यहां पर दोस्तों को बात बता दूं कि आगे चल के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं दोस्तों, जो नर्सेज वगैरह हैं, उनकी कमी होने वाली है। बिकॉज वो दोस्तों जिस नंबर्स में हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे दोस्तों जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल वगैरह की, वो इतना ज्यादा नहीं है जो बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन को दोस्तों केटर कर सके। और आगे चल के 15-20 साल बाद ऐसा ही होने वाला है कि डॉक्टर्स की कमी पड़ने वाली है बहुत बड़े तरीके से। तो यहां पर हमको चाहिएगा टेक्नोलॉजी का सहारा जहां पर हम मशीन से हमारा इलाज करवा पाए, हमको फिजिकल किसी डॉक्टर की जरूरत ना पड़े, मशीन हो जो सबसे परफेक्ट तरीके से, प्रिसाइज तरीके से सभी का इलाज कर दे। और यहां पर दोस्तों नहीं तो ज्यादा खून खराबा होगा, नहीं यहां पे ऐसा होगा कि कोई थकावट होगी, भाई मशीन ना अपने प्लग में लगा रखा है, ऑन कर रखा है, दोस्तों मशीन सारा काम कर रही है। तो यही चीज आगे जाके होने वाली है 10-15 सालों के बाद में। अब यहां पर दोस्तों कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत ही कॉमन है, जहां पर दोस्तों एक ऐसा रोबोट है जिसमें कैमराज लगे हैं, मतलब छोटा सा एक वायरलेस कैमरा है, आप मानिए उसको दोस्तों अगर कोई पेशेंट अपनी बॉडी में लेता है अपने मुंह से, तो होता क्या है कि बाहर एक एक्सटर्नल मैग्नेट से उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कितना आगे जा रहा है, कितना पीछे जा रहा है, उसका क्या एंगल है, और उसके बाद दोस्तों बॉडी के अंदर की जो फोटोज हैं वो आप देख सकते हैं डायरेक्टली बाहर और चेक कर सकते हैं कि अंदर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग टाइप के रोबोट्स भी हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो दोस्तों बॉडी के अंदर जाके अपनी शेप चेंज करते हैं और उसके बाद में वो अंदर इवन दोस्तों जो माइक्रो सीजर्स वगैरह से उनकी से वो ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। तो यहां पे कंट्रोल अगर बाहर है मशीन के पास में और अगर रोबोट दोस्तों बॉडी के अंदर है तो वो जाके यहां पे बहुत सारे काम कर पाएगा। और इनफैक्ट यहां पे दोस्तों काम चल रहा है जो है स्विमिंग रोबोट्स का, जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में दोस्तों अंदर तैरने वाले हैं, तैर के जाके आगे स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके ड्रग्स को डिलीवर करने वाले हैं बिल्कुल स्पेसिफिक अमाउंट में। बिकॉज अभी होता क्या है कि आपने एक टेबलेट खाया, अब आपको उसका असर चाहिए यहां पर, लेकिन वो वहां तक इतना बड़े स्केल पर नहीं पहुंच पाता, उसके दोस्तों ज्यादा डोज वगैरह लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आप सोच के देखो कि मेरे को अगर सीधा यहीं पे ही मैं ड्रग डिलीवरी करवा दूं, तो मतलब कोई ऐसा रोबोट जो सीधा उसमें चलता हुआ जाए और वो यहीं पे जाके ड्रग को डिलीवर करे, तो वो कितना आसान होगा। तो यहां पे आगे चल के हम यही काम करने वाले हैं। अभी चाहे दोस्तों बात करते हैं स्कैनिंग की, चाहे बेसिक दोस्तों होती है सीटी स्कैन या फिर MRIs, या फिर इसके अलावा कैसे हम AI की मदद से इनफैक्ट जान सकते हैं कि क्या पैटर्न्स चल रहे हैं, हेल्थ जो है वो कैसे किसी की इंप्रूव हो रही है, कैसे किसी की हेल्थ बिगड़ रही है, पहले से हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि भैया कल को ये चल के आगे आपको बीमारी हो सकती है, इसके लिए पहले से तैयार रहिए। तो आगे मतलब और 5-10 साल के बाद में हम दोस्तों डेफिनेटली देखेंगे कि जो ह्यूमन हेल्थ है उसको हम काफी इंप्रूव कर पा रहे हैं। फिर चाहे वो 3D प्रिंटेड दोस्तों ट्रांसप्लांट्स हो, जहां पे आपने प्रिंट किया है किसी ऑर्गन डोर लगा दिया है, चाहे कुछ ऐसे रोबोट्स हैं जो बॉडी के अंदर पहुंच के काम कर रहे हैं, ये अभी दोस्तों सब देखेंगे हम आगे होते हुए। और मुझे उम्मीद है कि यहां पे हम सभी की जो हेल्थ है वो काफी अच्छी हो जाएगी। आप मुझे बताएं नीचे कमेंट्स में कि क्या आप किसी ऐसे रोबोट को निकलने के लिए तैयार होंगे जिसको आप खाएंगे अपने मुंह से और वो दोस्तों जाके करेगा अपना काम आपके पेट या फिर आपके इंटेस्टाइन में, अगर जरूरत पड़ी ऐसा तो क्या आप इसके दोस्तों तैयार होंगे, मुझे बताएगा जरूर नीचे कमेंट्स में। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।